अगर आप अपने जिस्म को रिक्रिएशन दे रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्पोर्ट्स यानी जो हलाल वे ऑफ एंटरटेनमेंट है उसके जरिए आप जिस्म को तवाना रख रहे हैं। मैं समझता हूं एंटरटेनमेंट है ही हलाल, मतलब एंटरटेनमेंट इज हलाल, लेकिन डेफिनेशन गलत है ना, डेफिनेशन लोगों ने गलत कर दिया है। हाँ, लोगों ने ना एंटरटेनमेंट को, जब मतलब आप समझ लें, आप कहें कि कोई भी ऐसी चीज है, अगर हलाल कुरान, हाँ ये सही बात है, मतलब एंटरटेनमेंट इट्स इन इटसेल्फ इज हलाल, दीन का हिस्सा है भाई, क्या हो गया। तो जब लोगों ने हराम शुरू किया तो हमने मजबूरन हलाल कहना शुरू कर दिया, कहना पड़ा ताकि उस एस्पेक्ट को साइड पे किया जा सके। तो जब आप उसको कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला को भी आप खुश कर रहे हैं, अपने जिस्म को अगर आप इसलिए फिट रख रहे हैं कि मैं अल्लाह की इबादत अच्छी तरीके से कर सकूं, मैं लोगों की मदद कर सकूं, मैं एक अच्छा मुसलमान सेहतमंद रहूं, तो आप जैसे आपने कहा आप अपने अल्लाह ताला को भी खुश कर रहे हैं, साथ साथ अपने आप को एंटरटेन भी कर रहे हैं। चाहे आप सुनना स्पोर्ट्स भी नहीं कर रहे, फॉर एग्जाम्पल चाहे आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, वो सुनना स्पोर्ट नहीं है, तब भी आपके वो है। मैं किसी से पूछूं ना कि यार एक बात बताओ, आप अपनी माँ को और बाप को और वाइफ को जेसीज ले जा रहे हैं या सीएफयू ले जा रहे हैं, ठीक है, खाना खिलाने के लिए, ये दीन है या दुनिया है? घर वालों पे खर्च करना, मैं अगर अपनी वाइफ को स्टेक खिला रहा हूँ, मुंह में डाल रहा हूँ ना, ये तो पैसे खर्चने का सदका और मुंह में डालने का भी सदका।